अच्छा ठीक है, माइक चेक माइक चेक। अब इससे आ गई हूँ आपके सामने एक नया ताज़ा व्लॉग लेके। वेलकम यू ऑल टू बुल्टिस बारी। मॉर्निंग का एक्सरसाइज हो चुका है, रणवीर के क्लासेस हो चुके हैं, मैं रिफ्रेश हो चुकी हूँ। चलिए डे को स्टार्ट किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ये ब्यूटीफुल सा मनी प्लांट मैंने कहाँ रखा, ये भी मैं लेके आई। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैं सोचा कि चलो यहाँ पे, एक्चुअली नहीं ये हैंगिंग वाला है, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लगा के रखा। आज बन रहा है मेरे घर पे आलू पराठा। रणवीर का वैक्सीनेशन डे के बाद रणवीर को थैंक गॉड बुखार नहीं आया। वरुण खा चुका है, आंटी को भी दे चुकी हूँ खाना। अभी रणवीर और मेरा खाने का बारी। कैसा बना वरुण वैसे? अच्छा बना रहा ना? मुझे भी अच्छा लगा। जो कल प्लांट्स मैं लेके आई थी, चलिए आप लोगों को वो प्लांट्स दिखाया जाए। और स्पेशली मेरे नॉन बंगाली सब्सक्राइबर्स के ये नाम भी लेके आई हूँ। इंग्लिश नाम मैं बता दूंगी कि बाय चांस आपको अगर सेम प्लांट्स खरीदना है तो यू कैन जस्ट गिव द नेम एंड गेट इट। को हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनिया। और देखिए इसके बर्ड्स भी आए हुए हैं। परसों मैं जब लेके आई थी तो एक फूल भी था, पता नहीं बूट्स पे से निकालते समय फेल ऑफ, यहाँ पे था फ्लावर। मैं आसाम में जिस घर पे रहती थी उस घर के गार्डन में बहुत बड़ा एक प्लांट हुआ करता था, गोंधराज इन बंगाली, हम इसको गोंधराज बोलते हैं। और इसका फूल का इतना अच्छा स्मेल है, इतना अच्छा फ्रेगनेंस देती है ना ये, इतना बड़ा बड़ा होता है फूल वाइट कलर के पेटल्स में, छोटू वन है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्वो बाइटे। देखने से तो बहुत ही छोटू लगता है, बट सेम प्लांट मेरा उस तरफ था, एकदम एट द कॉर्नर लगा हुआ था। चार पाँच साल तक बहुत लंबा हो गया ये प्लांट। तो लास्ट ईयर एक रात को काफ़ी तूफान आया था तो उसके कारण वो गिर चुका था, तो आई हैड टू कट इट ऑफ। दिस प्लांट, इसको हम इंग्लिश में प्लूमेरिया बोलते हैं, बंगाली वी कॉल इट एज कार्ट फूल। इसके जो फूल है ये बंचेस में आते हैं, बंचेस में मतलब ऑल टुगेदर 20-30 फ्लावर्स विल कम। बहुत सुंदर आते हैं, सुगंध वाले फूल है। तो इसको मैं शायद से आई गॉट इट फॉर 250। माई गुआवा प्लांट, आप देख सकते हैं कि दो गुआवा लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो इसको मुझे सॉइल में डालना है। तो गुआवा प्लांट आया है 300, प्लूमेरिया हैज कम फॉर 250, आर्वोवाइटे 150 एंड दिस इज़ फॉर 250। मेरा छोटा सा गार्डन कुछ लगता है इस तरीके से। दोज आर पाम्स, मुझे बहुत पसंद है पाम्स। ये सारा प्लांट्स मैंने लगाया है, दीज ऑल शो प्लांट्स आर प्लांटेड बाई वरुण। तो इसको ना हमें ट्रिम करना पड़ता है, वरना ये तो झाड़ जैसा बन जाता है। रणवीर का भी खाना हो चुका है, मेरा भी खाना हो चुका है। वरुण को बोला कि लंच दूँ, तो वरुण ने कहा कि नहीं, ऑफिस से कॉल अटेंड करने गया ऊपर। एनीवे तो अभी हो रहा है टाइम 2:30, रणवीर का भी पढ़ाई हो चुका है। कहाँ इंटरनेट चल रहा है या नहीं पूछ रहा है, जगह दिख गया थे। इंटरनेट तो चल रहा है। प्लीज कैन आई गो आउट? व्हाई यू वांट टू गो एंड प्ले आउट? एवरीवन आर प्लेइंग। यू वांट टू गो आउटसाइड टू प्ले? यू हैव स्टडीड? वेयर इज द मास्क? Pink, I wanna get it. Huh? Pink is there, so I wanna wear it. You want to wear and go? Have you taken your lunch? Your water? Go fill your water bottle, drink 10 sips of water and then go. Mama, I want to go outside to play. Baba, take your paratha. हम दोनों का लव स्टोरी बताने जा रहे हैं। लोग बोलेंगे ना 3 साल के बाद कि आप लोग लव स्टोरी शेयर करिए, तो फिर मैं यही बोलूँगी आप लोग पीछे के वीडियो जाके देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा। सुबह से रानी कह रही है
वरुण आज लव स्टोरी। सो इट वॉज 2007 मैं अपनी ग्रेजुएशन करके पंजाब से पुणे पहुंचा था। 2007 में आई डिड नॉट कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, मेरा लास्ट ईयर ग्रेजुएशन कर रहा था। तो साइमल्टेनियसली मैं जॉब भी करती थी। वन ऑफ माय अंकल्स कंपनी वाज दैट, आई स्टिल रिमेंबर, अंकल आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू सो मच, यू मीन अ लॉट टू अस। जॉब वॉज रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, वी वर गिवन द लीड्स नंबर्स जो हमें कॉल करके सेल करना था क्रेडिट कार्ड। वन फाइन डे आई कॉल्ड वरुण, और तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे? कोथुड करवे नगर इन पुणे। वी वर सिक्स फ्रेंड्स हु वर स्टेइंग देयर इन द रो हाउस। दैट डे आई वाज अलोन एट होम और ऑल ऑफ अ सडन रानी गेव मी अ कॉल। Means that time was not aware. The time might be around between 10 to 12. She was talking in an accent. I liked her voice. I was alone at home. I was not having anything to do. And I started flirting with her. मुझे leads complete करने थे, मुझे credit card sell करना था. तो I just played a little bit that चलो I'll give my number to him. He started calling me daily started calling me. What? You were following up with me for the card? I didn't meet. We were talking over the phone for good two months. He wanted to meet me desperately. Ki Rani, I want to see you. Tum kaise dikhti ho? Tumhara voice to bahut sundar hai. Theek hai, main gayi milne ke liye Pune Central. I still remember that place. Yahan pe do stop hai Pune Central mein, ek udhar stop hai aur ek idhar stop hai. तो वहाँ पे खड़ा था मैं, यहाँ पे खड़ी थी। पुणे में ना बहुत गर्मी होती है, मतलब लू चलती है वहाँ पे। तो एवरी टाइम आई हैड दैट हैबिट ऑफ टाइंग माई स्कार्फ। तो आई स्टिल रिमेंबर आई वोन अ जीन्स पिंक टॉप एंड स्कार्फ। तो पता चल गया उसको, ही कॉल्ड मी। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसको पता चल गया था यही वाली लड़की है। ये इतनी नाटी है, नाटी तुमने बोला कि शी वाज रानी आल्सो हैड सम एक्सपेक्टेशंस वरुण वुड बी वेरी गुड लुकिंग राइट सम मोर एक्सपेक्टेशन यू वर हैविंग करके आया था बिल्कुल you... मैं तो बिल्कुल स्टाइल वेल करके नहीं आई हूं। मैं चटाई पे आई थी, चटाई जो कोरेगांव पार्क में मिलता ना 30 रुपीस का चटाई वटाई, बिल्कुल कैजुअली मैं आई। बिल्कुल मिली तुमने भी कौन सा बहुत जरा नहीं जेलवेल लगा के स्पेक्स लगा के। अरे अच्छा यू आस्क हाफ शर्ट लगा के। यू आस्क हर डिडंट शी स्ट्रेटन हर हेयर? अच्छा डोंट टेल मी कब मैंने स्ट्रेट किया बाल तुम्हारे? अरे नहीं तब बिल्कुल मैंने स्ट्रेटनर लिया ही नहीं था, बाद में लिया। तुमने फिर भाड़े से लेके किया होगा स्ट्रेटन? तो फिर पता है क्या बोल रहा था फर्स्ट डे में ही मूवी देखने चलते हैं। मैंने कहा नो आई एम नॉट गोइंग, माय मॉम इज वेटिंग फॉर मी, माय मॉम विल नॉट अलाउ मी। उसको गुस्सा आ गया, इगोइस्टिक बंदा। गुस्सा नहीं आ गया, इफ यू रिमेंबर रानी when we made the plan to meet, then we already had decided after meeting in Pune Central we'll go for a movie. बोला था कि नहीं बोला था? Yes or no? Plan था तो रानी उस टाइम बैकआउट मारा क्योंकि रानी को शायद वरुण इतना पसंद नहीं आया। रानी की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, स्काई रॉकेट, पता नहीं कौन आने वाला। इसके बाद कितने टाइम तक तुम बात नहीं किया मेरे से? I decided, okay, if she is showing attitude, why should I call her again? I was not taking her call also, I think. He never used to take. तो काफ़ी टाइम चला गया तो आई कॉल्ड हिम बैक कि कहाँ हो, क्यों नहीं कॉल कर रहे, आ जाओ मॉम मेरे बहुत अच्छा फिश बनाती है, आई एम ए बंगाली गर्ल, तो तुम आओ मेरे घर पे। मैंने डिनर पे बुलाया था, दैट टाइम वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वरुण ही केम टू माय हाउस। बहुत सारे नॉर्थ इंडियन यू कैन रिलेट विद मी, रानी की मॉम ने फिश बनाई और जब मैंने पहला निवाला लिया तो मेरे गले में अटक गया एंड रानी वॉज लाफिंग लाइक क्रेजी, द वे शी इज लाफिंग राइट नाउ, मेरा ऐसे जान अटकी है और रानी हंस रही है और मैं इसको देख रहा हूँ क्या पागल लड़की है। इसके मॉम ने मुझे फिर एक राइस बॉल बना के दिया, वो मैंने उसको सॉलो किया तो जाके मेरी जान में जान आई। थोड़ा सा रिलेशनशिप सीरियसली मैं उसको लेने लग गई और वाइस वर्सा। उसके बाद ही आई गॉट थ्रू विद वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनीज, आई हैड टू गो टू मैसूर फॉर वन मंथ्स ट्रेनिंग। वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा इतना सीरियस हो गया रिलेशनशिप की ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इवन व्हेन शी वाज आउट ऑफ पुणे वी वर इन कंटीन्यूअस इन टच ऑन द कॉल। यस, हम एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। तो उसके बाद ही लाइक और एंजॉय कितना किया हमने पुणे में, बहुत अच्छी थी। पार्टी लाइफ इज अमेजिंग, वीकेंड पे अगर आप कोरेगांव पार्क में यू विल लव इट। तो रानी और मैंने तो हमने कितनी पार्टी की, बहुत ज्यादा, एबीसी फार्म्स, शीशास, मोकास,
Polka dots. One of the he used to like the food there. Oh yeah, loved it. Polka dots. Fir Hard Rock Cafe. I still remember Hard Rock Cafe. Fir parties karne jaate the. Prince jaate the. Used to go to Prince. Anybody from Pune, you been to Prince? Just comment down below. बहुत अच्छा खाना होता था. पता नहीं अभी. तो हमारा general खाना होता था 7th main पे पंजाबी रसोई. पंजाबी जब हम कोरेगांव पार्क में रहते थे मेरे रूममेट्स हम सारे वहीं खाना खाते थे एंड ही यूज्ड टू गेट ओनली चिकन बिरयानी फ्रॉम मी चेरी ऑन टॉप हो गया फिर इंडिया की हो गया वो कोरेगांव पार्क के लेन में था इंडिया की नाउ इट गॉट चेंज टू समथिंग एल्स दोस वर लाइक गोल्ड ओल्ड डेज ऑफ आवर्स ही विल टेल रानी आई विल जस्ट सेल ऑफ दिस हाउस एंड आई वांट टू गो टू पुणे आई विल से प्लीज आई वांट टू गो टू पुणे प्लीज आई वांट टू गो टू पुणे दैट मच आई एम इन लव विद पुणे इट वाज अमेजिंग ओवर देयर 2012 सितंबर वी गॉट मैरिड अच्छा हाँ तो फिर आप प्लीज जो नए हैं मेरे इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज कीप कमेंटिंग डाउन बिलो आप लोगों का एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है टू मेक मोर वीडियोस वरुण घर पे नहीं है जन्म गए बाहर खाना खाने अपने फ्रेंड्स लोग के साथ तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड किया जाए तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये व्लॉग बहुत बहुत अच्छा लगा स्टे फिट स्टे वेल एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स सब्सक्राइब तो बोलते इस बारे समझे सुने